सत श्री अकाल जी सारे भरावां नूं। अज दी वीडियो पिंड पिपली जिला सरसा ते भाई वरिंदर शर्मा दे फार्म दी जिहड़ी इह झोटी है, पहले सूए झोटी है ते लगभग भी 5 या 6 दिन इस नूं सूई नूं हो गए ते 9 तों 10 किलो दुध जिहड़ा इस टाइम तैयार है। ते वीर कहिंदा भी कोई भी भरा चैक करके तोल के दुध लिजा सकदा हैगा, थाणे वी दी क्वालिटी देख सकदे हो, कला कला दूर दूर थाना है, बहुत साफ अडर है, लेवा थान लेवा बहुत ज्यादा सोहना लग्या होया, पूरी वधिया चंगी आप ब्रीड दे विच कह सकते हैं इसनू, क्योंकि जिहड़ियां झोटियां छोटी उम्र दे विच सूंदियां वह दूजे सूए जाके भी दुध वध दिंदियां, तीजे सूए जाके भी दुध वध दिंदियां, तो लगभग भी चौथे सूए तक जिहड़ियां छोटी उम्र दियां झोटियां सूंदियां वह दुध वधी जांदियां। तो इस सूए के 12-13 किलो दुध जिहड़ा इसका झोटी का देने की उम्मीद हैगी, कुल मिला के भी दे ही देना इसने झोटी ने दुध इन्ना, क्योंकि जिहड़े हिसाब नाल दुध वध रही है जी। झोटी बहुत ज़्यादा चंगी है, बाकी एड्रैस तुहानू दसता, फोन नंबर भाई का दिता होगा, होर जानकारी लैण वास्ते कंटैक्ट कर सकते हो भरा नाल। बाकी मगर भी कट्टी हैगी, जिहड़े भरा पालनी चाहुंदे आ ना, कट्टियां दे शकीन है, ते मगर PC 427 बुल दी जिहड़ी HLD दी कट्टी है फीमेल, तो बहुत ज़्यादा सोहनी है, थान लेवा देख सकते हो बहुत ज़्यादा सोहना हैगा, छोटी उम्र दी कट्टी हैगी जिहड़ी सूई हुई है, झोटी कह सकते हैं आप इसनूं, वड्डियां मझां दे विच नहीं आउंदी, थान लेवा बहुत ज़्यादा साफ है, पिठपुड़ा बहुत ज़्यादा शकीन आप कह सकते हैं ना, तो बाकी सामने है कट्टी भी बहुत ज़्यादा चंगी है मगर, बाकी भारी झोटी हैगी वजनदार, तो पिठपुड़ा बहुत ज़्यादा सोहना है, मूहरों पतली तो पिछों जिहड़ा चौड़ा पशु, अपने सियाने भी कहिंदे आ भी इह पशु है जिहड़ा दुध चंगा दिंदा हुंदा हैगा। तो इस टाइम पहलण दे हिसाब नाल जिहड़ा 9-10 किलो दुध तैयार है, तो 12-13 किलो जिहड़ा खुला दुध झोटी इह देगी। बाकी फोन नंबर स्क्रीन उत्ते दिता होया है, वीर नाल संपर्क कर सकते हो तुसीं होर जानकारी लैण वास्ते, ते रेट बहुत जायज़ करदे आ भरा, 90,000 रुपया इहदी डिमांड करदे हैगे, बाकी माण ताणा जिहड़ा उह जरूर करनगे, गल्लबात तुसीं वीर नाल कर सकदे हो फोन ते भी, ते बाकी आ के भाई कहिंदा भी 2 टाइम चो 3 टाइम चो कोई दिक्कत नहीं, चैक करके लै सकदे होंगे, बहुत ज़्यादा पोली चवाई दी ते सफाई कह सकते आपां भी चवाई दे विच हैगी है, ते बाकी चैक कर सकदे हो तुसीं, जिहड़ा थणां दी जिहड़ी क्वालिटी हुंदी है ना, वो हौली हौली जदों पहलां झोटियां हुंदियां उदों उदू बाद जिहड़ा निखार होर आउंदा उहदे थणलेवे दे विच छूण तों बाद, जिवें जिवें आपां चोणे आ, तो बाकी हुण वी मूठी वाले थणां बहुत ज़्यादा वधिया चंगी जिहड़ी झोटी आ वधिया, जवान जिहड़े पशु हुंदे हैगे उहनां दा अगे जिहड़ा फ्यूचर कह सकदे आपां ना ज़्यादा हुंदा हैगा वड्डे पशुआं नालों, जिहड़ा आपां 4थे जां 5वें सूए जाके लैंदे आ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਝੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਉਹ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਦ ਕਾਠ 'ਚ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਵਾਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਭਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਇਆ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਨੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀ ਘਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਝੋਟੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਝੋਟੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਬਸ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਾਲੇ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਠ ਪੁੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਮਾਂ